अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम पठार क्या होता है इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। पठार को अंग्रेजी में प्लेटू कहा जाता है। पठार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्लेटू कहा जाता है। समझ में आ गया? कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप लिख देते हो तिब्बत का पठार। लेकिन पठार का अर्थ क्या होता है, पठार का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होता है या पठार क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम पठार क्या होता है उसके अर्थ के बारे में एकदम गहराई से समझेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पठार एक उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो पठार क्या होता है? पठार जो होता है ना, एक उठी हुई भूमि होती है। पठार क्या होता है? एक उठी हुई भूमि होती है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। समझ में आ गया? मान लेते हैं एक मैदान है, तो मैदान का जो भूभाग है कहीं कहीं पे उठ जाता है। समझ में आ गया? तो ऊपर उठे हुए भूभाग को पठार कहा जाता है। लेकिन पठारों की खासियत क्या होती है? ऊपर जो होती है ना, ये जो पठार ना मेज के समान जो होता है ना, समतल होता है या सपाट होता है। समझ में आ गया? जैसे कि आपके कमरे में कोई बड़ा सा टेबल होगा, तो टेबल क्या होता है? अपने आसपास के क्षेत्रों में उठा हुआ होता है। तो ठीक वैसे ही पठार क्या होता है? अपने आसपास के क्षेत्रों से उठा हुआ होता है और ऊपर जो है समतल होता है। समझ में आ गया? ऊपर क्या होता है? समतल होता है, उसे ही हम लोग पठार कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से आप अर्थ समझो। पठार एक उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार क्या होता है? एक उठी हुई और समतल या सपाट भूमि होती है। यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। तो पठार की खासियत क्या होती है? यह अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, यानी ऊपर उठा हुआ होता है। समझ में आ गया? तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो पठारों की खासियत क्या है? इसका जो ऊपरी भाग होता है ना, वो मेज के समान सपाट होता है। समझ में आ गया? उसी को हम लोग पठार कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। उच्चावच का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। पृथ्वी पे जो भूभाग है उसकी बनावट के अनुसार भूभाग को अलग अलग नाम दिया गया है। किसी को पर्वत कहा जाता है, किसी को पठार कहा जाता है, तो किसी को मैदान कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जो पठार है ना, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्या हुआ था? महाद्वीपों और महासागरों का उत्पत्ति हुआ था। तो इसीलिए महाद्वीप और महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर किसकी उत्पत्ति हुई? पर्वत, पठार, मैदान, झील, खाड़ी, नदी, इसका उत्पत्ति बाद में हुआ था। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछा जा सकता है। तो इसलिए याद रखना, पठार जो है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होता है। समझ में आ गया? जिनका विस्तार भूपटल पर लगभग 33% भाग है। तो पठारों का विस्तार पूरे पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? 33% भाग जो है पठार का है। समझ में आ गया? पृथ्वी के ऊपर 33% भाग जो है पठार का विस्तार पाया जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। पठार पर्वतों से भी ऊंचे हो सकते हैं। ये जो पठार है ना, ये पर्वतों से भी ऊंचे हो सकते हैं, यानी इसका कोई ऊंचाई का सीमा नहीं होता है। पठार जो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। तो कभी कभी यह मैदानों से भी नीचे होते हैं। तो पठार की खासियत क्या है? या तो पर्वतों से भी ऊंचे हो सकते हैं या मैदानों से नीचे भी हो सकते हैं। कुछ पठार क्या होते हैं, यहाँ पे आप इसको समझो। मान लेते हैं कि ये मैदान है। समझ में आ गया? तो मैदान के नीचे भाग, ये गहराई में यहाँ पे देख रहे हो समतल है। तो पठार क्या हो सकते हैं? मैदान से नीचे भी हो सकते हैं या मैदान से ऊपर उठे भी हुए हो सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 4,875 मीटर। समझ में आ गया? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई है 4,875 मीटर। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, यानी कि पठारों का प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो है
अंतरा पर्वती पठार। अंतरा पर्वती पठार क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जब पठार चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए होते हैं तो ऐसे पठार को अंतरा पर्वती पठार कहा जाता है। तो अंतरा पर्वती पठार किसे कहा जाता है, मान लेते हैं कोई एक पठार है, कोई एक पठार है लेकिन इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, इसके चारों ओर पर्वत पाए जाते हैं। जब कोई पठार चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ होता है तो उसे अंतरा पर्वती पठार कहा जाता है। समझ में आ गए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है गिरिपदीय पठार। समझ में आ गया क्या है गिरिपदीय पठार, इसका अर्थ क्या होता है वो देखो। पर्वतों के तलहटी में, सबसे पहले आप समझ लो कि तलहटी क्या होता है, पर्वतों के तलहटी में, पहले आप तलहटी क्या होता है इसको समझो। मान लेते हैं कोई एक पर्वत है, यहाँ पे कोई एक पर्वत है तो पर्वत का जो निचला भाग होता है, समझ में आ गया, उसे हम लोग तलहटी कहते हैं। पर्वत का जो निचला भाग होता है उसे तलहटी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, पर्वतों के तलहटी में स्थित पठारों के गिरिपदी पठार कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो पर्वतों के तलहटी में, यानी कि जो पर्वतों के पास कोई भी यहाँ पे पर्वत है उसके नीचे वाले भाग में जो भी पठार स्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गिरिपदीय पठार कहते हैं। इसका मतलब फिर से समझो, पर्वतों के तलहटी में स्थित पठारों को, यहाँ पे को है समझ में, पठारों को गिरिपदीय पठार कहते हैं। यानी कि जो पर्वतों के पास जो पठार स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे गिरिपदीय पठार कहा जाता है। समझ में आ गया, आगे समझो। इनके एक ओर ऊंचे पर्वत तथा दूसरी ओर मैदान या सागर स्थित होता है। तो ये जो गिरिपदीय पठार होता है, इनके एक तरफ जो होता है पर्वत होता है और इसके दूसरी तरफ या तो क्या होता है, या तो सागर महासागर पाया जाएगा नहीं तो मैदान होता है। समझ में आ गया, तो गिरिपदीय पठार क्या होता है, क्लियर होगा रहेगा, आगे समझो। तीसरा है गुम्बदाकार पठार। गुम्बदाकार, गुम्बद का आकार, समझ गया, समझ में आ गया, इसलिए क्या कहा जा रहा है, गुम्बदाकार पठार है। क्या होता है आप इसको समझो, गुम्बदाकार पठार ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया द्वारा बीच का भाग ऊंचा हो जाता है तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं, तो ऐसे पठार को गुम्बदाकार पठार कहते हैं। तो गुम्बदाकार पठार किसे कहते हैं, आप इसे चित्र की सहायता से समझो। ज्वालामुखी की क्रिया के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी के कारण क्या होता है, लावा बाहर आता है। तो कभी कभी क्या होता है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, तो इसका जो डिजाइन है या शेप है या आकार है वो गोलाकार हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग जो है कैसा होता है, समतल होता है। ज्वालामुखी के क्रिया के कारण क्या होता है, जब ऐसे ज्वालामुखी का लावा बाहर आता रहता है तो कभी कभी ऊपर का भाग इसका समतल हो जाता है, लेकिन अपने आसपास में इसका जो आकार होता है वो गोला होता है, जिसके कारण ये एक गुम्बद की तरह दिखाई देता है। समझ में आ गया, मंदिर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, गुम्बद कहते हैं। तो इसलिए ऐसे पठारों को हम लोग क्या कहते हैं, गुम्बदाकार पठार कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ, आगे समझो। चौथा है महाद्वीपीय पठार। चौथा क्या है, महाद्वीपीय पठार। जब भूपटल का कोई भाग आंतरिक बलों के कारण भूभाग से ऊपर उड़ जाते हैं तो ऐसे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तो महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, आप इसको समझ लो। मान लेते हैं एक कोई एक समतल जमीन है, अंदर क्या होता है, किसी न किसी बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से किसी न किसी बल के कारण भूभाग क्या होता है, अपने क्षेत्रों में ऊपर उड़ जाता है। समझ में आ गया, आंतरिक बलों के कारण जमीन क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठ जाता है तो ऐसे ही पठार को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय पठार कहते हैं। क्लियर हुआ, आगे समझो। पांचवा है ज्वालामुखी से निर्मित पठार। साफ ही समझ में आ रहा है, जो पठार जो है ज्वालामुखी की क्रिया से उत्पन्न हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसे ज्वालामुखी से निर्मित पठार कहेंगे। आइए इसका अर्थ देखते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार से निसृत, निसृत मतलब निकला हुआ लावा के दरारी प्रवाह से पठारों का निर्माण होता है तो ऐसे पठार को ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित पठार कहा जाता है। तो जब ज्वालामुखी की क्रिया के कारण, ज्वालामुखी की क्रिया के कारण किसी पठारों का निर्माण हो जाता है, जब ज्वालामुखी के क्रिया के कारण किसी पठारों का निर्माण हो जाता है तो ऐसे पठार को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित पठार कहते हैं। समझ में आ गया, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।